अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू रामपुर का दस्तरखान। आज मैं आपके किचन में बहुत मज़ेदार चिकन बर्गर की रेसिपी लेकर आई हूँ और हम चिकन बर्गर पेटी भी यहाँ बनाएंगे और बहुत ही मज़े की बन के तैयार होने वाली है। बहुत क्रिस्पी बनेगी, आपको बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सिंपल और मज़ेदार ये बन के तैयार होने वाली है। इसके लिए मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन लिए, इसको मैंने चॉपर में डाल दिया है और मैं इसमें एक खाने का चम्मच नमक डालूंगी और एक खाने का ही तकरीबन चम्मच मैं कुटी हुई काली मिर्च डालूंगी। और ये दो मैंने हरी मिर्चें ली हैं, इसे मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया है, ये डालूंगी मैं इसमें। और इसमें लाल पिसी हुई मिर्चें, ये भी मैं एक खाने का चम्मच डालूंगी। पेपरिका पाउडर है, ये भी एक खाने का चम्मच जाएगा इसके अंदर। लहसुन अदरक जाएगा इसमें एक खाने का चम्मच। और इसमें मैं एक अंडा ऐड करूंगी, डेढ़ खाने का चम्मच हम सोया सॉस डालेंगे इसमें। और ये डब रोटी के स्लाइसेस हम लेंगे, मैंने चार स्लाइस लिए हम इसमें डाल के, बस हम इसको बिल्कुल बारीक फाइन पीस लेंगे और फिर हम इसकी पेटी बनाएंगे। हम इसे बिल्कुल इक्वल लेवल में बना लेंगे और बहुत ज़्यादा हम इसको पेटी के लिए कोडिंग बना रही हूँ। मैंने एक प्याली भर के मैदा लिया है और यहाँ आधी प्याली मैं कॉर्नफ्लोर डालूंगी। अगर आपके पास सांवलों का आटा है तो आप वो भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत क्रिस्पी होंगे ये। और ये एक अंडा इसमें जाएगा। ये थोड़ी सी ओरिगानो जाएगी, दो चुटकी काली मिर्चें जाएंगी, हाफ टी स्पून, हाफ टी स्पून इसमें नमक जाएगा। और हम इसे मिक्स करके अच्छी तरह से, आप पानी डाल के अच्छी तरह हम इसमें मिक्स करेंगे। पहले इसका एक बैटर बना लेंगे, पानी हम बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, हल्का हल्का डालेंगे और इसे फेंटते रहेंगे। कोटिंग बिल्कुल रेडी है, अब मैं इसको डिप करूँगी। पैटी को अच्छे से हम डिप करेंगे पहले। अब हम इस पे ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। जी व्यूअर्स, मैं यहाँ हल्की आँच पे फ्राई करूँगी ताकि अच्छी तरह अंदर से इसका गोश्त भी गल जाए और ये हल्की हल्की गोल्डन फ्राई भी हो जाए। अगर हम इसको तेज़ तेल पे फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल डार्क कलर की हो जाएंगी। हम इसे हल्की आँच पे फ्राई करेंगे, बहुत अच्छी क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। जी व्यूअर्स, इसे मैंने फ्राई कर लिया है, मैंने लाइट गोल्डन कलर दिया है और इसको बहुत अच्छी तरह मैंने फ्राई किया है ताकि अंदर से कच्चे ना रहे। अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। जी व्यूअर्स, ये मैंने सॉस बनाई है, मायोनीज लिया था मैंने एक कप, उसमें मैंने थोड़ा सा केचप ऐड किया था और कुटी हुई काली मिर्च डाली थी, नमक थोड़ा सा ऐड किया है, थोड़ी सी ओरिगानो डाली है मैंने। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी, सबसे पहले मैंने बन पे ये लगाना है। अब ये मैं सलाद पत्ता रखूंगी इसके ऊपर। और ये मैंने पैटी ली है, ये बहुत अच्छी क्रिस्पी बन के रेडी हुई है। हम ये इसके ऊपर ये रखेंगे और ऊपर से हम केचप डालेंगे। आप चाहें तो प्याज भी डाल सकते हैं, मैंने प्याज नहीं ऐड किए। और लास्ट बच्चों के बहुत ही मनपसंद बर्गर बनके तैयार हैं। आप लोग भी लाजमी ट्राई कीजिएगा, अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी और ऊपर से क्रिस्पी बनके तैयार हुई है ये पेटी। और मैंने इसके साथ फ्रेंच फ्राइज भी बनाए हैं। और रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।